हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस गोवा की। गोवा हम टूरिस्ट के लिए दो पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। गोवा के साउथ एंड नॉर्थ दोनों कवर करने में मिनिमम आपको 5 डेज चाहिए। आप 5 डेज के प्लान में पूरा गोवा कवर कर सकते हैं, और अगर आपके पास ज्यादा समय है और आप रिलैक्सिंग वे में प्लान कर रहे हैं गोवा का, तो आप 7 डेज का भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 3 से 4 दिन का भी प्लान कर रहे हैं तो भी आप ऑलमोस्ट पूरा गोवा कवर कर सकते हैं। वो कैसे करना है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि आप होटल गोवा में कैसे बुक करें, किस एरिया में आपको होटल लेना चाहिए और होटल की कितनी कॉस्ट आ सकती है, एंड गोवा घूमने के लिए कौन से बेस्ट प्लेस है, घूमने के लिए स्कूटर रेंट पे कैसे मिलेगी, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी कॉस्टिंग आएगी उसकी, एंड उसी के साथ आपको एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से अपने होटल आने के लिए वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के क्या ऑप्शन अवेलेबल है, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और ऐसे ही ट्रैवल अपडेट्स एंड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, गोवा का जो नॉर्थ पार्ट है वो फेमस है क्राउडेड बीच, नाइट लाइफ, नाइट क्लब्स के लिए, कैसीनो क्रूज के लिए, इन सभी चीजों के लिए नॉर्थ गोवा फेमस है, एंड मोस्टली इंडियंस नॉर्थ गोवा ही कवर करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें साउथ गोवा की, तो साउथ गोवा फेमस है अपने क्लीन बीचेस, पीसफुल एटमोसफेयर, और फॉरनर्स भी साउथ में ज्यादा स्टे करते हैं कम्पेयर टू नॉर्थ। तो ये प्लान स्टार्ट हो रहा है नॉर्थ गोवा से, और ये सारा कुछ आप पे डिपेंड है। अगर आप चाहे तो सिर्फ नॉर्थ कवर कर लें, या आप दोनों कवर कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आप गोवा कैसे पहुंच सकते हैं, और गोवा पहुंचने के बाद आप अपने होटल तक कैसे जा सकते हैं। मैं आपको बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट दोनों का बता दूंगा। देखिए, गोवा में 2 एयरपोर्ट है, एक है डाबोलिम एयरपोर्ट, ये पुराना एयरपोर्ट है, और एक नया ओपन हुआ है मोपा एयरपोर्ट। गोवा के लिए हर बड़ी सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टेड है, तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं गोवा, तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। एयरपोर्ट से अपने होटल तक जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, क्योंकि गोवा में ओला उबर कुछ नहीं चलता है, तो आप अगर चाहें तो आप डायरेक्ट एयरपोर्ट में टैक्सी काउंटर होते हैं, आप वहां से अपनी टैक्सी बुक कर सकते हैं जिस भी लोकेशन में आपका होटल है। होटल कहां बुक करना है, कैसे बुक करना है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट टैक्सी बुक कर लें टैक्सी काउंटर से। सेकेंड, आप गोवा माइल्स ऐप का यूज कर सकते हैं, ये गोवा का ही टैक्सी बुकिंग के लिए ऐप है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट प्राइस एंड ऑनलाइन क्या शो हो रहा है कंपेयर करके जो भी आपको बेस्ट डील दे आप वहां से बुक कर लें। सेकेंड ऑप्शन है, एयरपोर्ट से कुछ बेस्ट प्लेसेस एंड पॉपुलर प्लेसेस में बसेस चलती है, एयरपोर्ट से वहाँ के लिए बसेस चलती है, एसी बसेस, जिसका किराया 200-250 रुपए लगता है। ये एक आपके लिए बजट ऑप्शन है, आप चाहे तो आप बसेस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इनकी टाइमिंग फिक्स रहती है, तो अगर आप टाइम पे गोवा पहुंच रहे हैं तो आपको बस भी मिल सकती है। अब अगर बात करें कि आप ट्रेन से गोवा पहुंच रहे हैं, तो नॉर्थ गोवा के लिए सबसे क्लोज रेलवे स्टेशन है थिवम रेलवे स्टेशन, जो नॉर्थ गोवा के पॉपुलर प्लेस बागा कैलंगूट से 17 से 18 किलोमीटर दूर है। और अगर वहीं बात करूं साउथ गोवा की, तो साउथ गोवा के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मडगांव रेलवे स्टेशन। तो आप नॉर्थ गोवा के लिए जब थिवम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, अगर आप इन केस मिडनाइट पहुंचते हैं रात के 2, 3, 4, 5 बजे के आसपास, तो थिवम रेलवे स्टेशन में आपको रिटायरिंग रूम मिल जाता है, जो 4 घंटे 8 घंटे जितने समय के लिए भी आपको चाहिए वो उतने समय के लिए आपको रूम मिल जाता है। आप चाहे तो वहां पे भी रुक सकते हैं रात में। और अगर बात करें रेलवे स्टेशन से आप अपने होटल तक जाने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, सबसे पहले तो आपके पास डायरेक्ट टैक्सी काउंटर है, ये रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर मिल जाएगा आपको, आप चाहे तो यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं अपनी टैक्सी की। सेकंड, जो आपको मैंने बताया था कि आप गोवा माइल्स ऐप यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट में आपको बताऊं, ये काफी अफोर्डेबल ऑप्शन है, आपको रेलवे स्टेशन से 200-250 मीटर नीचे उतरना है, मेन रोड में आना है, वहां से लोकल बसेस चलती हैं, आपको थिवम से अपनी लोकल एक बस पकड़नी है जो हर थोड़ी देर में आपको मिल जाती है, वो आधे घंटे में आपको मापुसा पहुंचाएगी, मापुसा से आपको एक और बस बदलनी है, वो आपको बागा कैलंगूट जहां भी आप जाने वाले हैं आपको वहां के लिए बस मिल जाएगी। इसमें आपका ऑलमोस्ट 60-70 रुपीस लगेगा और आप अपने होटल तक पहुंच जाएंगे। और वहीं कंपेयर करूं टैक्सी की, तो उसमें लगभग आपका 1000 के आसपास और लोकेशन के हिसाब से ज्यादा या कम लग सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आपको नॉर्थ और साउथ में किस लोकेशन में आपको अपना होटल लेना चाहिए और आपकी होटल की कॉस्ट कितनी आएगी। और उससे पहले अभी तक का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉर्थ गोवा की, तो नॉर्थ गोवा में आप बागा कैलंगूट, कैंडोलिम, अंजुना, इसके आसपास आप अपना होटल ले सकते हैं। गोवा की मेन नाइट लाइफ इसी लोकेशन के आसपास आपको मिलेगी, सारे नाइट क्लब, नाइट लाइफ, और नॉर्थ गोवा के जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो भी आपको यहाँ से काफी पास पड़ेंगे।
होगी। देखिए आपको स्क्रीन पे मैं डेमो के लिए बुकिंग साइट के थ्रू प्राइजेस दिखा रहा हूँ। मैं ये आपको नॉर्थ गोवा में 500 से 500 510 से होटल स्टार्ट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ऑलमोस्ट सारे होटल जो स्टार्ट हो रहे हैं 500 to 600 के बीच में आपको मिल जाएंगे आराम से। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इन होटल्स को बुक कर सकते हैं, जहां भी आपको बेस्ट डील मिले। आप अपनी लोकेशन के हिसाब से और होटल की रेटिंग के हिसाब से इन होटल्स को बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सिंगल जा रहे हैं या फिर आप सोलो ट्रेवल कर रहे हैं और आपको होटल रूम नहीं लेना है, तो आप हॉस्टल में भी स्टे कर सकते हैं, जो आपको 300 to 400 के बीच में काफी अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको अभी नॉर्थ गोवा के होटल दिखाए हैं। अभी मैं आपको साउथ गोवा में कितनी कॉस्ट आएगी होटल की वो भी दिखा दे रहा हूँ। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे साउथ गोवा में 1000 से होटल स्टार्ट है, 1000-1050 रुपीज। तो आपको साउथ गोवा में भी 1000-1100 के बीच में आपको होटल मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप साउथ गोवा में भी हॉस्टल ले सकते हैं, जो आपको 200-300 रुपए में पर नाइट के हिसाब से हॉस्टल मिल जाएगा। और आप गोवा पहुंचने से पहले ही अपनी होटल बुकिंग करके जाएं। और इसके अलावा मैंने अपने चैनल में गोवा के कुछ बेस्ट होटल्स जो अंडर 2000 रुपीज में अवेलेबल हैं, उसका एक वीडियो मैंने शेयर किया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपको गोवा घूमने के लिए स्कूटी रेंट पे कहां से लेना है और उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। देखिए गोवा में स्कूटी रेंट लेना सबसे आसान है। गोवा में आपको हर 300-400 मीटर में रेंटल सर्विस की शॉप मिल जाएगी, आप उनसे भी स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। इसके अलावा आप जिस भी होटल में स्टे करने वाले हैं उस होटल में भी कुछ रेंटल सर्विस वाले अवेलेबल रहते हैं, या फिर आप अपने होटल के रिसेप्शन में बोल देंगे तो वो भी आपको स्कूटी रेंट पे अवेलेबल करा देते हैं। तो गोवा में स्कूटी रेंट लेना काफी आसान है। अगर बात करूं इसकी कॉस्ट की, तो गोवा में आपको स्कूटी आराम से 300 से 400 रुपए के बीच में आराम से आपको पूरे गोवा में स्कूटी रेंट पर मिल जाती है। ये प्राइजेस पीक सीजन में काफी हाई हो जाते हैं, जैसे न्यू ईयर का सीजन, जिस समय में गोवा में क्राउड ज्यादा रहता है उस समय स्कूटी रेंट की कॉस्ट थोड़ा हाई हो जाती है। अदरवाइज पूरे टाइम पे आपको 300 to 400 में स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी दिन के हिसाब से। फ्यूल आपको खुद फिल करवाना पड़ता है। और अगर बात करूं स्कूटी रेंट लेते समय आपको क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, तो जो रेंटल सर्विस वाला होगा वो आपका एक आईडी प्रूफ अपने पास रखेगा, जैसे आधार या वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी एक आईडी प्रूफ आपका अपने पास रखेगा। और जब आप स्कूटी रिटर्न करने जाएंगे तो वो आपको आईडी प्रूफ रिटर्न कर देगा। स्कूटी रेंट लेते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आपको हमेशा येलो नंबर प्लेट वाली स्कूटी रेंट पर लेना है। स्कूटी अपने हैंडओवर लेने से पहले स्कूटी का एक छोटा सा वीडियो जरूर बना ले, जिसमें अगर उसमें कोई डेंट है या कोई स्क्रैचेस हैं तो वो आपको शो हो जाए पहले। और गोवा में ट्रैफिक पुलिस काफी स्ट्रिक्ट है, तो आप बिना हेलमेट के स्कूटी मत चलाएं। हेलमेट आपको स्कूटी के साथ मिलेगा, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप स्कूटी रेंट पे लेते हैं गोवा में। नेक्स्ट मैं आपको साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा एंड पणजी के कुछ बेस्ट प्लेसेस बता दे रहा हूँ, जो आप अपने ट्रिप में बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नॉर्थ गोवा की, तो आप नॉर्थ गोवा में सिंक्वेरियम बीच घूम सकते हैं। उसके बाद आप एग्वाड़ा फोर्ट जा सकते हैं, और एग्वाड़ा फोर्ट के जस्ट आगे लाइट हाउस है, आप उसको भी कवर करें। उसके अलावा आप अंजुना बीच, मॉर्जिम बीच एंड एरेम्बुल बीच भी घूम सकते हैं। और अगर बात करूँ नाइट लाइफ की, तो बागा बीच में इवनिंग में काफी अच्छी नाइट लाइफ रहती है। आप यहाँ पे बैठ के बीच शेक कैफेज में अपना डिनर एंड ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा नाइट क्लब्स के लिए बागा बीच की रोड में टिटोस लेन है, वहाँ पे काफी सारे क्लब्स हैं जहाँ पे आप काफी एंजॉय कर सकते हैं, जैसे टिटोस क्लब, द वाइट गोवा, मेम्बोस क्लब, माया क्लब, काफी सारे क्लब्स हैं। आप यहाँ पे जाके इनके एंट्री चार्जेस 1000 से 1500 के बीच से स्टार्ट होते हैं, और ये सारा अमाउंट आप अंदर रिडीम कर लेते हैं ड्रिंक और फूड लेने में। नेक्स्ट मैं आपको साउथ गोवा के कुछ बेस्ट बीचेस बताने वाला हूँ, लेकिन आपको नॉर्थ से साउथ कैसे जाना है आप ये समझ लो पहले। देखिए अगर आप चाहें तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बस के थ्रू जा सकते हैं, जो आपको कैलंगूट बागा स्क्वायर से बस मिल जाती है, लेकिन आपको कैलंगूट बागा से आपको पंजिम जाना पड़ेगा, और पंजिम से आपको बस बदलनी पड़ेगी, जो आपको पालो लाइन, जो मेन एरिया है साउथ गोवा का जहाँ पे आपको होटल भी लेना है, वहाँ तक के लिए बस मिलेगी। और इस पूरी प्रोसेस में आपके पैसे तो बच जाएंगे, लेकिन आपके दिन के 3 से 5 घंटे लग सकते हैं आपको नॉर्थ से साउथ जाने में। इसकी जगह पे अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, आपको टैक्सी 1500 से 2000 रुपए के बीच में मिल जाएगी नॉर्थ से साउथ जाने के लिए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप लिमिटेड टाइम का प्लान कर रहे हैं 3 से 4 दिन का, और अगर आपको साउथ गोवा कवर करना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो आप मॉर्निंग में अपनी स्कूटी से साउथ के लिए निकल जाएं। आप अप्रोक्स 1.5 आवर में 1.5 घंटे में आप साउथ पहुंच जाएंगे। पूरा दिन आप एक्सप्लोर करें और इवनिंग में आप अपना नॉर्थ गोवा में वापस आ जाएं। अब अगर बात करूं कुछ बेस्ट प्लेसेस कौन से हैं साउथ गोवा के, तो सबसे पहले पालोलेम बीच, यहां पे आप इवनिंग में बैठ के सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, डिनर कर सकते
सकते हैं, तो आप पारोलेम बीच मिस मत करना। इसके अलावा आप कोला बीच भी मत मिस करना, यहाँ पे आप कयाकिंग भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप बटरफ्लाई बीच, ये बीच भी आप बिल्कुल मिस मत करना। ये तीन बीचेस हैं जो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके अलावा और भी प्लेसेस हैं, लेकिन ये आप अगर साउथ जाए तो जरूर कवर करना। इसके अलावा आप नॉर्थ गोवा से पंजिम का वन डे का ट्रिप जरूर करें। इसके लिए आप मॉर्निंग में अपने होटल से 9 से 10 बजे निकल जाएं। पंजिम बागा कैलंगूट से 15 से 16 किलोमीटर है, तो आप जल्दी निकलें। और आप वहां पहुंचने के बाद लेडी ऑफ कंसेप्शन चर्च घूम सकते हैं। पंजिम में काफी ब्यूटीफुल चर्चेस हैं, तो आप जरूर कवर करें। उसके अलावा आप डोनापोला व्यू पॉइंट जा सकते हैं, बेसिलिका ऑफ बूम जीसस, ये भी काफी पॉपुलर चर्च है। इसके अलावा आप फाउंटेन हेज जरूर कवर करें, ये एक कलरफुल हाउसेस की स्ट्रीट है, तो आप यहाँ पे काफी सारे फोटोस एंड रील्स बना सकते हैं। एंड इसके अलावा आप इवनिंग में कैसीनो क्रूज जा सकते हैं, यहाँ पे आप डिनर एंजॉय कर सकते हैं, कैसीनो जा सकते हैं। तो ये सारे प्लेसेस आप पंजिम में कवर कर सकते हैं। आई थिंक मैंने साउथ और नॉर्थ में सारा कुछ कवर कर दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।